हेलो दोस्तों, अगर आप भी ड्रैगन मास्टर गेम के अंदर रजिस्ट्रेशन करो या आप लॉगिन करो, और दोस्तों अगर आपको भी यही प्रॉब्लम आ रही रिक्वेस्ट एक्सपायर्ड, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, इस मसले को आपने ठीक कैसे करना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और दोस्तों आपको बताऊंगा कि यार ये जो प्रॉब्लम है ये आपको आती क्यों है। और दोस्तों आपको बता दूं, ड्रैगन मास्टर गेम के अंदर दो तीन प्रॉब्लम और है जो ड्रैगन मास्टर गेम के अंदर आती है लॉगिन करते वक्त। और दोस्तों आपको बता दूं कि यार वो जो लॉगिन करते वक्त दो तीन प्रॉब्लम है वो आपको आती है, वो दोस्तों अपडेट फेल्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा लॉगिन फेल्ड होता है, और उसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं रिक्वेस्ट एक्सपायर्ड का होता है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको भी ये तीनों प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊँ कि यार आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो दोस्तों आपने सिंपली सबसे पहले करना क्या है कि यार आपने वीडियो एंड तक देखनी है, ताकि यार आपको फुल डिटेल से समझा सकूं। क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो काट काट के देखो तो यार आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यार हमें सपोर्ट करें। और दोस्तों आप सबके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं, तो यार आप सबका एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि यार ये जो प्रॉब्लम है ये आपको आती क्यों है। दोस्तों आपका जो ना डेट एंड टाइम ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों अब आपको मैं बता दूं कि यार आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना, रिक्वेस्ट एक्सपायर्ड। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है कि यार आपने जो ना अपनी सेटिंग में जाना है, ठीक है। तो यहाँ मैं जो ना बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। और आपको जो ना मैं अपनी सेटिंग में ले जाता हूँ, यहाँ ऊपर से मैं ले जाता हूँ। तो यहाँ दोस्तों मैं अपनी सेटिंग में आ चुका हूँ, ठीक है। अब आपने यहाँ क्या करना है, सिंपल यहाँ आपने जो ना सर्च के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। सर्च के ऊपर दोस्तों आपने क्लिक करना है, और उसके बाद जो ना आपने लिखना है डेट लिख देना है, ठीक है। आपके सामने डेट एंड टाइम खुद आ जाएगा। तो दोस्तों आपने फिर क्या करना है, सिंपली अब डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने जो ना सेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, इसको जो ना इनेबल कर देना। अभी आप यहाँ देख सकते हो ये डिसेबल है, तो जैसे मैं इसको इनेबल करूंगा तो ये ब्लू हो जाएगा, तो मैं इसे इनेबल कर देता हूँ। दोस्तों ये इनेबल करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने चेक कर लेना आपके पास जो प्रॉब्लम है, रिक्वेस्ट एक्सपायर्ड या अपडेट फेल्ड हो गया, लॉग इन फेल्ड हो गया, आपने चेक कर लेना है क्या ये जो प्रॉब्लम है आपको आ रही है कि नहीं आ रही है। तो दोस्तों अगर फिर भी अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है सेट ऑटोमेटिकली को इनेबल करने के बाद, तो दोस्तों फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने मोबाइल को ऑफ करना है, और दोस्तों फिर ऑन करना है। फिर दोस्तों आपने चेक करना है क्या ये जो प्रॉब्लम है ये आपको आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। दोस्तों अगर दोस्तों फिर भी आपको आ रही है तो दोस्तों फिर आपने क्या करना है कि आपने अपनी ड्रैगन मास्टर गेम को अनइंस्टॉल कर देना, और दोस्तों फिर आपने जो ना इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों फिर आपने चेक कर लेना कि यार आपको जो ये प्रॉब्लम है ये आ रही है कि नहीं आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दूं ये तीनों चीजें करने से दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो देखकर भी अगर कुछ समझ ना आया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। और दोस्तों कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। और दोस्तों आपको बता दूं, वैसे तो आप डेट एंड टाइम को ऑटोमेटिकली को इनेबल करोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों अगर फिर भी नहीं होती है तो दोस्तों आपने दो चीजें करके देख लेनी है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये दो चीजें करने के बाद दोस्तों आपकी मैं 100% कहता हूँ कि यार आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।